अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज इस गाड़ी के बारे में हम रिव्यू करने जा रहे हैं, वो है सुजुकी वैगन आर VXL मॉडल। पाकिस्तान की तकरीबन ये दूसरी मशहूर तरीन गाड़ी है और आज हम इस गाड़ी के बारे में देखेंगे कैसी है गाड़ी, अंदर से कैसी है गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी और क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में बहुत ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं है। एक इसका टू टोन इंटीरियर है, आप देख सकते हैं प्लास्टिक मटेरियल है और नीचे ये जो है ये इसका डैशबोर्ड है डिसेंट साइज़ का। और इसके अलावा इसमें दो पावर विंडो के स्विचेस दिए गए हैं जो कि बड़ी कमाल की बात है इस प्राइस पॉइंट पे। और सिर्फ फ्रंट वाली विंडोज़ में पावर आती है, वो भी VXL वेरिएंट में आती है और जो VXR वेरिएंट आता है उसमें ये चीज़ नहीं आती। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये गाड़ी 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। दो कप होल्डर दिए गए हैं इसमें, आपके कप होल्डर जो हैं वे नॉर्मल बोतल को संभालने के लिए काफ़ी हैं। और इसके अलावा जो गाड़ी के डोरबिन्स हैं, डोरबिन्स आप देखें कि ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बस छोटी आइटम रखने के लिए काफ़ी हैं। अगर बात करें इसके हेडरूम की तो हेडरूम तो इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर मैं ऐसे लेटा हूँ तो पीछे थोड़ा सा गर्दन जो है वो खिंचाव पड़ सकता है, बाकी ये कि लंबे बंदे के लिए भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और ये गाड़ी जो है, एक चीज़ इस गाड़ी की जो बहुत अच्छी है वो ये है कि इस गाड़ी में जो हेडरूम है ना वो ज़्यादा होने की वजह से आपको इस गाड़ी में किसी किस्म की भी घुटन नहीं महसूस होती। कि आमतौर पे आप गाड़ी में बैठे हो आपको बड़ा फील होता है कि आप ऐसे तंग हो रहे हो, तो वो चीज़ इस गाड़ी में नहीं है जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसमें नी रूम जो है वो तो बस पूरा पूरा है। ये जो गाड़ी इस वक्त है, सीट जो है मेरी नॉर्मल ड्राइविंग पोजिशन पर है। प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए तो इस गाड़ी में जो इसका बूट स्पेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं। इसमें एक बड़ा बैग जो है वो आ सकता है, बाकी ज़्यादा सामान तो इस गाड़ी में नहीं आ सकता। और एक चीज़ जो है वो आप इसकी सीट को जो है वो आगे से फोल्ड करके आगे पहन सकते हैं ज़्यादा कैरी करने के लिए। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इस गाड़ी में अनोइंग है वो है इस गाड़ी के जो मिरर है ना, वो आपको ये किसी किस्म के भी पावर नहीं देते। जो भी आपको करना है आपको हाथ से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे ही एडजस्ट होता है। दिखने में ऐसे लगता है पावर मिरर है, लेकिन ये सुजुकी की करामात है जो हमें ये इस चीज़ का नतीजा मिला हुआ है कि ये जो है ये बिल्कुल हमें हाथ से सारा काम करना पड़ रहा है। सुजुकी वैगन जो है लोकल वो 1000 cc इंजन के साथ आती है, 3 सिलेंडर के साथ। और जो इसकी गाड़ी की सेल की सबसे प्लस पॉइंट है वो यही है इस गाड़ी का कि जो इसका इंजन है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है। ये शहर में अराउंड 14 किलोमीटर का एवरेज देती है और हाईवे पे ये जो गाड़ी है वो तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर का एवरेज दे देती है। और यही इस गाड़ी की सबसे बड़ी कामयाबी की वजह है, इसकी जो इंजन की रिलायबिलिटी और इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ अपलोड हों आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और बेल आइकन का दबाएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे मेरा कैप पेज है द कार लवर के नाम से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।